जो भी कुछ था सब उसके उसके पास है। तो उसने अपना जब देखा कि उसकी बीवी बहुत परेशान करती है, मुझे खरी खोटी सुनाती है खाना देते समय, तो इससे तो बेटर है कि मैं अपने अलग से खा पका लिया करूंगी और इसकी बजाय तो मुझे थोड़े से पैसे दे दिया करो। तो जुम्मन बोले, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? मतलब गुस्से में आकर के नहीं, जुम्मन ने कहा कि मेरे पास में क्या खाता गड़ रहा है पैसों का, जो मैं इस बात पर जो थी वो खाला जो बिगड़ गई, उसको आ गया गुस्सा, ये क्या बात कही कि ना कि पैसे ये यहाँ क्या यहाँ फलते हैं। तो उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी कि क्यों, क्योंकि उसने सारी प्रॉपर्टी जब उसके नाम कर रखी थी तो वो तो अपना हक लेगी ना। तो फिर उसने कहा कि भाई ठीक है, मैंने थोड़े से पैसे ही तो मांगे थे तुमसे, ताकि मैं अलग से मदद खा लूंगी, ताकि ये रोज रोज की कड़वी बातें तो मुझे सुनने को नहीं मिलेगी। तो इस पर वो गुस्से में भर गई और उसने पंचायत करने की धमकी दे दी। जुम्मन बोले, जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए, मुझे भी रात दिन की यह खटपट पसंद नहीं। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी थी। जब लोग अपने स्थान पर बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों आज 3 साल हो गए हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया था, साल भर तो मैंने रोध होकर इसके साथ काटा, लेकिन अब सहा नहीं जाता मुझे पेट को रोटी पेट, मुझे ना पेट को रोटी मिलती है और ना तन को कपड़ा मिलता है, मैं बेसारा हूँ। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर मैं चलूं। तो उन्हें पांच लोग बैठे रहते हैं, पंच जो बने हुए हैं, उनसे कहा कि जो तुम रास्ता निकाल लोगे मैं उसी पर चलूंगी। तो मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊंगी, यानी जो फैसला पंच देंगे मैं उनकी बात को हमेशा रखूंगी। सरपंच किसे बनाया जाए? इस पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। तो उसने कहा कि ना भाई ठीक है, वो लोग जो पंच कहेंगे मैं उनकी बात को मैं रख लूंगी, और पर लेकिन सरपंच बनाया किससे जाए? इस पर जुम्मन शेख और खाला में कुछ कहा सुनी होने लगी, यानी दोनों में तनबन होने लगी। तो अंत में खाला बोली, बेटा पंच ना तो किसी के दोस्त होते और ना ही किसी के दुश्मन, तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। जुम्मन आनंद से फूल उठे और लेकिन मन के भावों को छिपाकर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। तो फिर क्योंकि अलगू तो उसका दोस्त था तो वो तो खुशी से फूला नहीं समाया कि बढ़िया है कि मेरे दोस्त को सरपंच बनाया है। तो बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। उन्होंने कहा कि जुम्मन शेख, हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। यानी जुम्मन जो था वो झूठ बोल रहा था ना, क्योंकि हर आए दिन तो खरी खोटी सुनाया करते था खाला को, और यहाँ आकर के उन पंचों के बीच में और झूठ बोलता हुआ कहता है कि आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है, अभी तो मेरे साथ बैठे थे, अब मुझसे इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया, जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया है, उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए, बस यही हमारा फैसला है। ये अलगू ने उनका फैसला सुना दिया। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया, यानी एकदम खामोश हो गया। अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा।
उसने कहा मतलब ये मुहावरा है, यानी उसकी उसकी दिन दिन और रात वो परेशान होने लगा कि ये क्या अलगू ने फैसला सुनाया है, तो उसको बहुत बुरा लगने लगा। वे इस ताक में थे कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। अब वो कोशिश कर रहा था कैसे ना किसी तरह से, वो मौके की तलाश में था किसी तरह से मैं बात कर लूं। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आ गया। अलगू चौधरी बटेसर से की एक बहुत ही अच्छी जोड़ी मेल लाए थे। तो जो अलगू चौधरी थे, बटेसर एक शहर का नाम है, वहां से एक बहुत ही अच्छी जोड़ी बैलों की वो लेकर के आए थे। और देवयुग से जुम्मन की पंचायत के एक महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का, जो दो जोड़ी दो दो बैल लेकर के आए था तो उसमें से एक बैल मर गया। अब एक बैल किस काम का, क्योंकि हल जोतने के काम तो आएगा नहीं ना। तो गांव में एक समझू साहू थे, उन्होंने एक महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से यह बैल खरीद लिया। अब देखो कि जुम्मन की पंचायत के एक महीने बाद ही, मतलब ये सारा काम हो रहा है कि एक जोड़ी का बैल मर गया और वह अकेला बैल किसका कोई काम का नहीं था, और गांव में एक समझू साहू जो रहते थे जमींदार, और उन्होंने एक बैल एक महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से ये बैल खरीद लिया। उसने कहा ठीक है, मैं एक महीने में पूरा अपना दाम चुका दूंगा और इस बैल को मुझे दे दो। समझू साहू ने नया बैल पाया, तो समझू साहू थे उसको नया बैल हट्टा खट्टा बढ़िया फर्स्ट क्लास उसको मिल गया। और फिर लगे उसको रगेदने, यानी दिन और रात उस बैल से काम करवाया करते थे, खेती हल जुतवाने का काम, और ये ना चारे की फिक्र ना पानी की फिक्र। अब बेचारा बैल जो है जब दिन रात काम करेगा तो उसको भूख भी लगेगी, उसको प्यास भी लगेगी, लेकिन इस चीज पे वो 1% भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन में तीन तीन चार चार खेपे करने लगा, यानी वो एक दिन में तीन तीन चार चार बार उसको हल जुताने का काम करने लगा खेत में ले जा करके। नहीं, अब है तो बेचारा प्राणी ना, तो वो कितना सहन कर पाता। एक दिन साहू जी ने बैल पर दूना बोझ लाद दिया। अब उसके बैल के ऊपर इतना सारा वजन लाद दिया कि बैल ने जोर लगाया लेकिन वह आधे रास्ते में ही गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब समझू साहू साहूवाइन दोनों ही झल्ला उठते। तो अब क्या हुआ कि इस घटना को चलते कई महीने बीत गए। अब क्योंकि वो जो बैल था आधे रास्ते में गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि वो फिर ना उठा, यानी वो मर चुका था वो बैल। तो अब ये इस घटना को हुए कई दिन कई महीने हो गए। अब अलगू जब बैल का दाम मांगते तब समझू साहू दोनों ही झल्ला उठते, यानी उनको दोनों को गुस्सा आता था कि ना कहते मुर्दा बैल दिया था उस पर दाम मांगने चले हैं। यानी दोनों जने झल्ला करके नहीं, यानी चिड़चिड़ा करके नहीं बोलते थे कि तुमने तो मरा हुआ बैल दिया था और उसके ऊपर तुम दाम मांगने चले हैं। इसी तरह कई बार झगड़े हुए लेकिन समझू साहू ने बैल का दाम नहीं चुकाया। लेकिन लोगों ने साहू जी को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए और अलगू ने भी हामी भर ली। उसी पेड़ के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा चौधरी बोलो किसको पंच मानते हो। अलगू ने कहा समझू साहू ही चुन ले, यानी जो उनको ठीक लगे वो बनेंगे। तो समझू बड़े खड़े हुए और कड़क कर बोले मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक-धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा ठीक मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते ही जुम्मन अपने जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। अब उसको लगा कि ना उसने सोचा कि मैं इस समय न्याय के सबसे ऊंचे आसन पर बैठा हूँ, सत्य से जरा भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। देखो बच्चों,
जिसको फैसला करने के लिए कहा जाए, न्याय करने के लिए अगर बोला जाए, तो वो कभी भी गलत न्याय नहीं देता है, वो हमेशा सच सच का साथ देता है। तो पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और संजू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल दें। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उसे बड़ा कठिन काम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। फैसला सुनकर अलगू चौधरी फूले न समाए। वे उठकर खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। उनके साथ ही सब लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन चलकर अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया और मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। तो ये किसकी स्टोरी थी? मुंशी प्रेमचंद की स्टोरी थी। तो सबको अब समझ में आ गया होगा कि क्या कैसी मित्रता थी पंच परमेश्वर की, यानी गहरी मित्रता थी। अच्छा बच्चों, आप इस ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो 27 पेज नंबर का। बाकी का मैं कल भी आपको स्क्रीनशॉट लेवाऊंगी। तो अभी मैं आपको 27 पेज नंबर का स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रही हूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप फटाफट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बाद में पीडीएफ बनाकर भेज दूंगी। तो बचा कुचा पीडीएफ में से देख लेना और उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट लो, यानी आपके कठिन शब्द और शब्दार्थ हैं उसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, तो आप इसका, आपके शब्दार्थ बुक के अंदर है जो एज इट इज मैंने इसमें उतारे हैं, और कठिन शब्द मैंने अंडरलाइन कर रखी है। सबने अपने बुक के अंदर से अंडरलाइन कर लिए होंगे। एक बार और फिर देख लो, चेक कर लो उसकी। ये देखो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है हार्ड वर्ड्स पर, उन हार्ड वर्ड्स को भी आपने साथ के साथ में अंडरलाइन करते गए होंगे स्टोरी सुनते समय। और इसका भी देख लो 24 पेज नंबर का भी, इसके भी हार्ड वर्ड्स, ओके, वो भी आपने अंडरलाइन कर लिए होंगे। यानी आपको कठिन शब्द शब्दार्थ ये दोनों आपको कॉपी में करना है, होमवर्क में। आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपका ये मैं ऑफ कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपसे कनेक्ट होती हूँ, आपसे मैं कनेक्ट हो रही हूँ। हाँ, अब मैंने आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ, अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ, आपको चैप्टर समझ में आया? यस मैम। सबको समझ में आ गया? हमारा टाइम ओवर हो रहा है बच्चों। कठिन शब्द ये दोनों आपको कॉपी में करने हैं। बोलो क्या बोल रहे हैं आप, जल्दी बोलो। टाइम ओवर हो रहा है। ओके, तो हाँ बोलो, कौन बोले जल्दी? आप बोलिए। आपकी घड़ी आगे है क्या? हाँ, आपकी घड़ी आगे है क्या? चैप्टर का वर्क कंप्लीट हो गया है। हमारा कंप्लीट ऑल वर्क। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो चैप्टर सबको समझ में आ गया? यस मैम। मैम हमने कॉपी में 4 चैप्टर के शब्दार्थ कर लिए। वेरी नाइस। तो ये आपको ये पूरा कंप्लीट करना है 4 चैप्टर का, कठिन शब्द और शब्दार्थ। और हार्ड वर्ड सामने साथ के साथ में अंडरलाइन किए। ये अंजना बैरवा के नाम से जो है, नहीं आप अपना ही नाम डाल रहे हैं।
अगर आप पेरेंट्स का नाम नोट करेंगे तो फिर वो समझ में नहीं आ पाएगा मुझे कि कौन स्टूडेंट है। ओके, ये भव्या है अंजना परवा के नाम से। प्लीज आप अपनी मम्मी का नाम हटा करके नहीं अपना नाम लिखो। यस मैम। भव्या आपसे मैं थोड़ा बात कर रही हूँ। एक मिनट। ये हर्षित। एक्सक्यूज मी मैम। सत्री। हाँ नहीं तो अंजना बैठवा नहीं चाहिए।